हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त उषा पटेल। आज मैं आपको बटन रोज बोले, चाइनीज रोज बोले, इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, इसके नर्सरी से लाके हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, और इसके वो हमारे पास ये परमानेंट प्लांट है तो हमारे पास सालों के साल तक रहे तो कैसे हम रखें, मैं सारी बातें आपको मैं आज बताऊँगी। एक तो पहला बताऊँगी, ये छोटे छोटे इसमें फूल आते हैं और बंचिस में फूल आते हैं, देखो ये। और मैं कल ही नर्सरी से, कल नहीं मतलब 2-3 दिन हो गए, 50 रुपये में लाई हूँ। तो पहला हमें क्या ख्याल रखना है, सबसे पहले हम नर्सरी से कोई भी प्लांट लाए तो हम क्या करते हैं, तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। हमें रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले आपको बताऊँ छोटी सी एक बात, कि हम एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं ना तो भी हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हमें यहाँ बहुत साल रहे हैं तो हमारा मन यही लगता है। तो ऐसे ही प्लांट को भी ऐसा ही है, नर्सरी में प्लांट बहुत सारे गुच्छे में होते हैं तो वहाँ वो एक दूसरे की हुंफ में रहते हैं, और जैसे हम एक प्लांट हमारे घर में लाते हैं तो उसका पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। वहाँ ह्यूमिडिटी आती है, बहुत सारे प्लांट होते हैं और हमारा घर का वातावरण अलग होता है। तो हमें पहले क्या करना है, हमारे घर के सारे जो प्लांट हैं इसके बीच में हमें इसको छोड़ देना है, हमारे प्लांट के साथ इसको दोस्ती करनी देनी है, फिर हमको रिपोर्टिंग करना है। तो पहले ये खास बात ख्याल रखना। और दूसरा, गुलाब में कोई भी रोग आता है ना तो क्या आता है, इसमें ये पत्ती पे काले काले दाग आ जाते हैं, इसके ऊपर स्पाइडर आता है वो अटैक कर देता है, या दूसरा रोग आता है तो आप देखना डंडी के ऊपर, एक डंडी के ऊपर छोटे 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 आपको दाने दिखने लगेंगे, धब्बे काले 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 काले, और आप जैसे ऐसे ऐसे नोचोगे ना इसको ऐसे तो पूरा दाने दाने छोटे छोटे दाने ऐसे निकल आतेंगे, जैसे हमें हमें माथे में खोड़ा होता है ना डैंड्रफ, ऐसा उसके ऊपर भी कुछ पता नहीं क्या नाम होता है, लेकिन ऐसा रोग गुलाब में भी आता है। तो आप चेक करते रहना, और ऐसा आपको लगे कि हमारे प्लांट की डाली पे ऐसी कोई डेंड्रफ जैसा लग रहा है तो आप टूथ बस एक पुराना ले लो, पानी में डबो के अपने प्लांट को साफ कर दो, और कोई रोग ऐसे होता ही नहीं है। और एक प्लांट में जब आप रिपोर्ट करो तब तक कुछ अच्छी सी एक बार वेल-ड्रेन मिट्टी बनाओ और अच्छी सी खाद डाल दो, फिर आपको बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक और करना है कि हफ्ते में एक बार NPK आता है 90-90, 20-20, 80-18 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो इसका एक बार आप 1 लीटर पानी में 1 ml लेके, मतलब एक छोटी सी चम्मच लेके इसके ऊपर स्प्रे कर लो। एक बार ये करना है हफ्ते में, और एक बार आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करो, ये नहीं है तो नीम ऑयल का स्प्रे करो, मतलब कोई भी एक बार हफ्ते में एक बार ये करो और एक बार ये करो, फिर देखो आपके गुलाब पे कलियां भर भर के आएगी और आपका प्लांट कभी भी नहीं मरेगा, इतना ख्याल रखोगे। और पानी हमें रोज उठ के पानी नहीं दे देने का है, जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए एक बार तभी आपको पानी देना है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है, मॉइस्चर बना के रखना है, सूखने भी नहीं देना है और इसके अंदर कीचड़ भी नहीं कर देना है, डूबा नहीं देना है, हाँ। बस वही ध्यान रखने का है। और जब हम सॉइल बनाएंगे तो देखो मैंने क्या लिए, एक बार गार्डन सॉइल ली है, एक बाग काउ डंग है और एक वर्मी कंपोस्ट है, और इतनी सी मैंने सैंड भी ले ली है, और इसमें मिलाया है मैंने NPK 18-18। इस बार मेरे पास वो आया है, पहले मैं 19-19 लाती थी लेकिन ये है, फिर इसमें थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट और DAP है, और ये है साफ फंगीसाइड नहीं है। उस वक्त मैं क्या लाई हूँ, इस बार मैं ट्राइकोडर्मा पाउडर लाई हूँ, मैंने ऑनलाइन शॉप की है, तो ये सब मैं अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, बस इतनी अच्छी सी वेल-ड्रेन मिट्टी होंगी और इतना खाद होगा ना तो फिर आपको बार बार कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पानी का ध्यान रखें हम लोग तो प्लांट नहीं मरेगा। हम लोग बहुत टाइम बाद रोज लाए हैं और मम्मी ये मेरे पास छोड़ के जा रही हैं, और मम्मी के फ्यूचर वीडियो में मम्मी बताएंगी कि मीतू ने प्लांट को मार डाला कि नहीं मार डाला। नहीं मरेगा मम्मी अच्छे से करे, हाँ नहीं मम्मी ध्यान रखती है, पर पानी ना ज्यादा नहीं डालना है, पानी ज्यादा डाल के मर जाते हैं। अभी ठंडी मौसम खत्म हो रही है और गर्मी आ रही है ना, आपको क्या करना है, प्लांट को एक बार तो नहला देना है स्प्रे करके, प्लांट को एक बार दिन में एक बार कब डालना है, सुबह में डालो या सुबह में और शाम को कभी भी, पर एक बार प्लांट को आपको स्प्रे बॉटल से नहला दो और ड्राइनेस नहीं रहेगी। हाँ, और जब आप NPK और वो नीम ऑयल किसी का भी स्प्रे करो ना तो रात के समय करो, कि 5-6 बजे के बाद ऐसा करो, तो सुबह में जल्दी से करो, धूप इसके ऊपर आए इससे पहले कर देने का है, बस वही ख्याल रखना है। धूप आई 8-9 बजे
8-9 बज गए हैं, उसके ऊपर अच्छी सी धूप आई गई है, और फिर आपको इसी केमिकल का स्प्रे नहीं करना है हमें, नहीं तो आपका प्लांट गया समझ लो। राम राम करते हैं। तो देखो पहले हमने छेद, बहुत सारे मैंने छेद बना लिए वेल ड्रेनिंग मिट्टी के लिए, और इसके ऊपर रख दिया मैंने ठीकरी। और फिर मैं अपनी ये मिट्टी जो बनाई है वो मैं उसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा भी ख्याल रखोगे ना तो ये प्लांट कभी नहीं मरेगा। मेन खाद तो आपने डाली दी है मिट्टी में, पानी का ध्यान रखे ना तो नहीं मरना चाहिए, जी जाएगा। और जैसे देखो कोई भी बच्चा रोता है ना तो माँ को पता चल जाता है ना कि मेरे बच्चे को कहाँ, बच्चा तो बोलता नहीं है फिर भी हम कैसा करते, इसमें पेट में दर्द होगा, उसको भूखी लगी है, क्या है, हमें पता चल जाता है। ऐसे भी आप अपने बच्चे की तरह अपने प्लांट का ख्याल रखो ना तो अपना प्लांट कभी भी नहीं मर जाएगा। तुम्हें उतना ख्याल तो आप ही रख सकते हो। और एक बात कि इंसान जन्म लेता है तो मरता तो है, ये तो भी प्लांट है, इसमें भी जीव तो है, फिर कहीं कहीं हम गलती कर देते हैं तो मर जाता है। पर ऐसा थोड़ा सा ख्याल रखोगे ना तो आपका प्लांट जल्दी नहीं मरेगा। ये लाल मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है, तो हमें चिकनी मिट्टी को हटा देना है। इसकी जड़ का हमें ख्याल करके हमें चिकनी मिट्टी को हटा देंगे। इसमें खातर गोबर और वो वर्मी कंपोस्ट एंड ऑल नहीं डालते? ओके। ओके ओके ओके। कितनी रूट्स है इसकी, ये वाली रूट्स आ गई है, छोटी छोटी है। अब हम इसको ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, अब हम इसको रख देंगे इसके अंदर। बैठ गया, जय भगवान जी की, गणपति बापा की जय। मम्मी का प्लाजो और फूल का कलर सेम कलर का है। इसमें डाल देंगे पानी, एक बार हम अच्छे से पानी डाल देंगे, जब भी फिर इसकी मिट्टी सूख जाएगी तभी हम पानी डालेंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि ये फूल आ गया है, अब ऊपर फूल सूख गया है तो हमें आलस नहीं करनी है, सभी फूल जितने भी फूल सूख जाए जैसे जैसे हमें इसके दूर करते रहना है, पिंजिंग। हाँ, पिंचिंग करते रहना है, जैसे हम दूर करेंगे ना इसके फ्लावर सूख जाए तो फिर वहाँ से दूसरे नए नए डाली निकलेगी और तुरंत आपको नए नए फूल मिलते रहेंगे। नहीं तो आप ऐसे करोगे ना कि सूखे हुए फूल इसके ऊपर ही छोड़ देना आलस करोगे तो कुछ नहीं होगा, नए फूल। हाँ, नए फूल आपको इतने जल्दी नहीं मिलेंगे, तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि जैसे ही फूल सूख जाए तुरंत इस फूल को हटा देना है। कौन सा सूख गया है? कोई सूखा नहीं। अच्छा, अभी नहीं सूखा है, जब सूखेगा तब। जब सूखेगा ये पहला, ये सूखेगा है ना, ये वाला सूखने के पे। ओके, हाँ ठीक है, मैं हटा देंगे। और ऐसे जैसे कोई डाली सूख जाएगी, तो जैसे कोई डाली आपको ऐसा लगे कि हाँ नहीं ऊपर से नई सूट्स नहीं निकल रही है, मतलब डाली अपनी डेड हो रही है, तो हमें इसको कट कर देनी है। तो आप जैसे यहाँ से देखो, यहाँ ये आगे नहीं बढ़ रही है तो हमें इसको ऐसे थोड़ा सा कटिंग कर देंगे ना, मैं इसको कटिंग करूंगी थोड़ा। तो देखो तुरंत यहाँ से कट करेंगे तो ऐसे ऐसे नई तुरंत डाल। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, फिर मिट्टी सूखे तभी पानी डालेंगे। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।